झूठा दे रहे हैं, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग। 45 सीट हारने के बाद इनके कल ठिकाने नहीं आ पा रही। अगर ये सब सामान्य ज्ञापन देने क्या जरूरत पड़ रही है, फोन करे तुरंत काम होगा नहीं था। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। रोजगार इनके पास नहीं, बिल्कुल इनके पास रोजगार काम नहीं मिल रहा, रोजगार के मुद्दे पर जीरो इनकी सरकार। रामा का मैं इन्होंने पागल बना रखा, पढ़ लिखो का इतना पागल बना रखा ना, रोजगार हम गाड़ी दे चलते अभी। अरे झंडे ठाक आ जाए, बेरोजगार लोग यहाँ प्रचार करते हैं सरकार का। अगर भी करना है तो सरकार को जो है रोजगार के बारे में सोचो ना, तो रोजगार देते हैं मंदिर मस्जिद और मंदिरों के लिए भी वहाँ धंधे बैठे। क्या सरकार है हिंदुओं कहाँ की सरकार है, मंदिरों में भी जो है ढुआरे मंदिरों को, हिंदुओं के मंदिर को भी वहाँ धरने बैठे मंदिर के लिए। जब हिंदुओं की सरकार तो मंदिर के लिए धरने क्यों बैठे, परमिशन दो तुरंत मंदिर बनने की। और ये झंडा लेकर आते फूल वाले अनुको ना, तो इनके पास रोजगार ले कोई मुद्दा ना, रोजगार निकाल ले। बीएड वाले की भर्ती इनको, बीएड वाले क्या काम करे, प्राइवेट टीचर नहीं बन सकते। पहले लालच देकर 57,000 रुपए फीस भर ली, अब नुके अरे सुप्रीम कोर्ट नुको बीएड वाले प्राइवेट टीचर नहीं बन सकते। अरे जब तुम शासन पर बैठा दे थारे हाथ में कुछ नहीं, तो तुम राजा किस काम के फिर, आम आदमी है फिर तुम। अगर राजा हो तो फिर इन बेरोजगार पढ़े लिखाई के इनके बारे में सोचो, सबसे पहले तो रोजगार के बारे में सोचो।